स्टेट बॉर्डर हमारा है पंजाब के साथ लगने वाली सरहदें जो है वहां पर भी सिक्योरिटी इस वक्त काफी ज्यादा अलर्ट कर दी गई है, क्योंकि पठानकोट के इलाकों के अंदर मुश्तबह अफराद की नकल हमल के बाद जहां पठानकोट के बेस और पठानकोट के आसपास के इलाके को काफी कर दिया गया है और आज यहां पर भी सर्च ऑपरेशन सारा दिन है। सर्च ऑपरेशन पठानकोट सेक्टर के आसपास के इलाके के अंदर काफी ज्यादा सख्त कर दिया गया है, क्योंकि 7 मुश्तबह अफराद को इस इलाके के अंदर देखा गया था, जिसके बाद जो कंसर्न पुलिस है पंजाब की और आर्मी है उन्होंने मुश्तरका तौर पर यह ऑपरेशन भी जारी किया है, शुरू किया है और यह ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है। इस बीच जिस खातून ने 7 अफराद के ग्रुप को देखा था जिनसे पानी मांगा गया था, कुछ देर वहां पर आराम किया गया था, उनका पहला स्केच यानी पहला फोटो भी पुलिस की तरफ से जारी कर दिया गया है और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस सोहेल कासिम मीर की तरफ से यह साफ कर दिया गया है कि हाई अलर्ट पर पूरा इलाका कर दिया गया है। इस बीच कठुआ और आसपास के इलाकों के अंदर भी सिक्योरिटी को काफी सख्त कर दिया गया, क्योंकि पठानकोट बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है कठुआ के साथ और कठुआ हमारा एंट्री पॉइंट है, इसलिए कठुआ के आसपास के इलाके के अंदर काफी ज्यादा सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। पिछले महीने याद रखिएगा भी इसी तरीके से सस्पेंड हुई थी कुछ गाँव के अंदर और यही लगाया जा रहा था कि इस बार इंतहा पसंद मिलिटेंट या दहशतगर्द जो है वो पंजाब का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं दरअंदाजी के लिए और पंजाब के रास्ते से जम्मू आकर आगे अपने ठिकानों तक जा रहे हैं, और यही वजह है कि इस वक्त की अहम और बड़ी खबर कि पठानकोट और पठानकोट के साथ साथ कठुआ और आसपास के इलाकों के अंदर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। 7 मुश्तबह अफराद की नकल हमल कल देखी गई थी, पुलिस के मुताबिक पहला बयान जो है पहला फोटो जो है वो जारी कर दिया गया है, लेकिन अलर्ट पर इस वक्त दोनों स्टेट्स के पुलिस लगा दी गई है, स्पेशली पठानकोट का एयरबेस और कठुआ के साथ लगने वाली सरहद और जो इलाका जात है वहां पर बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन आज दूसरे दिन में भी जारी है। चलिए जनाब यहां पर